आज हम क्या बहुत गर्व हो रहा है कि हम जेबी केसेस पार्टी में है। इस बात का मुझे पूरी तरह से खुशी हो रहा है। आज जिस तरह देश में सरकार और हमारे सीएम का जो रवैया है, हम लोगों ने जिता के भेजा है, और हमारे जो देश का विकास है, बहुत सारे विकास है, उसमें से एक हमारे जो है पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी, उन लोगों की मांग उचित है, लेकिन उन लोगों की मांग को अनुचित करने के लिए हमारे सीएम हेमंत सोरेन लगे हुए हैं, लेकिन एक हमारे जेबी केसेस के ऐसे नेता है जो हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष है, उनके साथ लाठी प्रहार किया गया है, और हमारे जितने सहायक कर्मी, हमारे माए बहन है, उन लोगों के ऊपर भी लाठी प्रहार किया गया। इसका हम घोर निंदा करते हैं, और हेमंत सोरेन को ये कहना चाहते हैं, महिलाओं को कमजोर मत समझिए, नहीं तो आने वाला 24 आपके लिए दुष्परिणाम बहुत बुरा होगा। और बहुत बड़ी बात है कि आज जेबी केसेस हमारे झारखंड के लोगों के साथ है, और इसी तरह हम लोग साथ देते रहेंगे। कोई कितनों हम लोग को शिकायत करे, कुछ करे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ना लाठी से डरेंगे, ना गोली से डरेंगे, ना डंडा से डरेंगे। जय झारखंड, जय जेबी केसेस। जैसा कि आपको पता है कि कल रांची में जो सहायक पुलिसकर्मी है, 2017 में उनकी बहाली हुई थी, और जो अपने सर्विस एक्सटेंशन को लेकर के और मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर के वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे, और उस पूरे प्रोटेस्ट का, उस पूरे मार्च का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे पार्टी के जो वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो। तो जिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस के द्वारा, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। जो वाजिब मांग है, उस मांग को दबाने के लिए लाठी का ये प्रयोग लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है, हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और इस बात को देखिए, जिस ढंग से 2017 में रघुवर सरकार चल रही थी, जो दमनात्मक कार्रवाई रघुवर सरकार कर रही थी, हेमंत सोरेन सरकार भी उसी राह पे चल रही है। और आपको याद होगा कि एक समय रघुवर सरकार की विदाई हुई है, 2024 में हेमंत सोरेन की भी विदाई होगी। कल जिस ढंग से लोगों को पीटा गया, आज भी अछूता नहीं है। आज पारा टीचर्स की वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था रांची में, पारा टीचर्स के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो लोकतंत्र के अंदर आवाज को, अपनी मांगों को लेकर के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई प्रदर्शन करता है, अपने राज्य के मुखिया तक अपनी बात पहुंचाता है, उसको अगर आप लाठी के जोर पे अगर आप दबाते हैं, तो लोकतंत्र पे ये स्वीकार नहीं है। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग आह्वान करते हैं कि एक पूरी चट्टानी एकता के साथ हम लोग 2024 में पूरे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और मुंहतोड़ जवाब देंगे, हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। आज हमने नया मोड़ चौक में आज ये मशाल जुलूस कर लिए। इटा के उद्देश्य है कि कल देवेंद्र नाथ महतो के साथ बेरहमी से मारल गया है, और इटा मारले किले आज उखनी जय भी हक अधिकार के बात करो, और जय भी अपन मांग करो, इस झारखंड में सबके दबाएल जाओ। और तरी ऐसा हम कहो जैसा भ्रष्ट सरकार जो हमने के बैठल हो, जो हमने के दुख दर्द भी नहीं समझ रहा हो, तो आने वाला दिन में उखनी का इस सत्ता से मतलब कुर्सी से उखाड़ के फेंकना हो। सबके हमारा संदेश इतना हो कि ऐसा सरकार अगर रखबे तो ककरो हक अधिकार नहीं मिलते। आज हम सीएम साहब के सीधा आगाह करना चाहो कि देख, आज हमने मशाल जुलूस निकला लियो, हमने के अंदर इतना दिले धड़को और जलन पैदा हो कि इस तरह का व्यवहार ना कर, हमने के मान थोड़ा बचाओ, हमने तोरा जिता लियो, और जीती के तो चेयर बैठल है, और बैठी के जीते तो यह रकम पर निर्णय लेबे, हमरा हक कर अधिकार कर बारे, नीति कर बारे यदि ना सोचबे तो सोच आगु की है। तो हमने आक्रोश न बूझ, हमने चेयर पर मसाल जरो ल से रखा, हमने के दिल धड़कन जो दो से कहते तो आगा है जो सीएम साहब, एकर बाद हमने ऐसो देतो ना तो ऐसा समय आए तो कि तोरा हमने कुर्सी से हटाए काम करबो आने वाला नवंबर महीना में, से कहते तो आगा है। बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा कि जिस प्रकार से हम लोग झारखंड के हित में जिस सरकार को हम लोग चुने थे, आज वही सरकार झारखंड के मूलवासी, यहाँ के सहायक पुलिस को जिस प्रकार से बेरहमी से लाठी चार्ज किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और टाइगर जयराम महतो के पार्टी जेबी केसेस और तमाम हमारी कमेटी के पार्टी इस घटना को मतलब काफ़ी निंदनीय करते हैं। इस प्रकार की घटना अगर झारखंड में होती है, अगर झारखंड की आवाज़ को दबाने का हम क्या जाता है झारखंड सरकार की ओर से, ये काफ़ी ही निंदनीय है, और आने वाला समय में इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे, और 2024 में इस सरकार को पलटने का काम करेंगे। और ये बहुत ही निंदनीय है कि हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जो हमेशा सक्रिय रहे हैं, चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे सहायक पुलिस का आंदोलन हो,
हमेशा आंदोलन में भाग लेकर हमारे झारखंड के नीति नियम के बारे में लड़ाई किए हैं और उस व्यक्ति को टारगेट करके जिस प्रकार का लाठीचार्ज करके हॉस्पिटलाइज किए हैं वो काफ़ी निंदनीय है और आशा करते हैं कि आने वाला समय में हम जेबी केसेस की टीम इनका मतलब पुरजोर विरोध करके 2024 में सत्ता पलटने का काम करेंगे। सबको पूर्ण झारखंडी जोहार। में जो सहायक पुलिस के साथ जो लाठीचार्ज किया है ये सरकार जो यहाँ के जनमानस के साथ झारखंड के मूल वासी और झारखंड वासी के साथ जो तो बर्बादतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहा है ये लगता है कि आने वाला सरकार ये जो है आने वाला विधानसभा चुनाव में यहाँ झारखंड के मूल वासी और झारखंड के आदिवासी इनको विदाई निश्चित करेंगे।